नमस्कार, मैं गुनगुन आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने आज के दिन बनाई थी उन्नत दूरबीन। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन के विकास में अतुलनीय योगदान दिया था। दूरबीन का आविष्कार हेन्स लिप्रिशी ने किया था, जो वस्तुओं को 3 गुना पास दिखाती थी, लेकिन गैलीलियो ने 3 जनवरी 1621 को उससे ज्यादा प्रभावी दूरबीन बनाई, जिसकी सहायता से खगोलीय प्रेक्षण किया जा सके। गैलीलियो ने दोलन सूत्र का प्रतिपादन भी किया और कॉपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। गैलीलियो को आधुनिक प्रायोगिक खगोलिकी का जनक माना जाता है। गांधी जी ने आज के दिन सविनय आंदोलन पुनः शुरू करने का किया था ऐलान। महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अगले दिन ही अचानक गांधी जी और सरदार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही प्रमुख कांग्रेस नेताओं शेरवानी, अंसारी, राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आजाद आदि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कांग्रेस से संबंधी समाचार पत्रों और उसकी संपत्ति पर सरकार ने अधिकार कर लिया था। सरकार के तमाम तरह के दमन के बावजूद भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा। सावित्री बाई फुले का आज के दिन हुआ था जन्म। शिक्षिका, समाज सुधारिका व मराठी कवित्री सावित्री बाई ज्योतिराव फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। उन्होंने महिला अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थीं। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 1852 में सावित्री बाई ने बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की और देश के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संपादक थीं। प्लेग महामारी के दौरान मरीजों की सेवा करते हुए वह स्वयं प्लेग का शिकार हो गई और इसी से उनका निधन हो गया। महान वैज्ञानिक सतीश धवन का आज के दिन हुआ था निधन। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित वैज्ञानिक सतीश धवन का 3 जनवरी 2002 को निधन हो गया था। ध्वनि के सुपरसोनिक विंड टनल के विकास में सतीश धवन का उल्लेखनीय योगदान रहा है। वह बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान से लगभग 20 वर्ष तक जुड़े रहे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रक्षेपण केंद्र का नाम उनके सम्मान में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया है। इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।